हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। तो दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो कल के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने देखा कि हाउ वी कैन नो दैट सम सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड और नॉट। तो एसिड होने का क्राइटेरिया क्या है कि वो वाटर में जाने के बाद एच प्लस देने चाहिए अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कंसेप्ट जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। बेस कौन सा सब्सटेंस है जो वाटर में जाने के बाद ओ एच माइनस प्रोड्यूस करेंगे। अब वाटर में जाने के बाद कौन सा सब्सटेंस एच प्लस प्रोड्यूस करेगा और कौन सा सब्सटेंस नहीं करेगा ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग देख सकते हैं। एक्चुअली अब देख के भी बता सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नहीं है, बट उसके लिए आगे की क्लासेस में ये चीजें कवर होती है। टिल 10th दिस इज नॉट गिवन, ठीक है। अब फिर हमने स्टूडेंट्स ये भी देखा कि वाटर में डालने के बाद एसिड वाटर में जब डालते हैं तो H+ जनरेट करता है और जब बेस को वाटर में डालते हैं तो जनरेट OH- है ना। हमने कल के क्लास में यह भी देखा कि जब कभी डाइल्यूशन करते हैं एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो बहुत सारे वाटर में एसिड धीरे धीरे मिक्स करना चाहिए। एसिड में आप वाटर मिक्स करेंगे तो एसिड बाहर आएगा बिकॉज रिएक्शन विल बी हाईली एक्सोथर्मिक एंड इट इज डेंजरस। तो कभी भी डाइल्यूशन करते हैं एसिड का तो ज्यादा वाटर होना चाहिए और धीरे धीरे उसमें एसिड मिक्स करना चाहिए, क्लियर है। आज हम लोग थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात करेंगे। नया टॉपिक जो हम लोग देखने वाले दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। स्ट्रेंथ मींस क्या, क्या होता है स्ट्रेंथ का मतलब, इस बात को समझने का ट्राई करते हैं ना। देखो सबसे पहले देर आर टू कैटेगरीज ऑफ एसिड। व्हाट आई एम सेइंग, टू टाइप ऑफ एसिड्स, देर आर टू टाइप ऑफ एसिड्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सेकेंड वन इज वीक एसिड। अब स्ट्रेंथ मतलब आपको पता है, आप बोलते हैं ना उसको स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ताकत बहुत ज्यादा है। तो किसी एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, बोलेंगे वो बहुत ताकतवर है, और किसी एसिड को बोलेंगे वीक एसिड है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या कोई एसिड वीक एसिड है, इस चीज को कैसे डिसाइड किया जा सकता है, है ना। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से, अब अभी अच्छा सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड में हम डिफाइन करने से पहले हम ये समझते हैं कि एसिड क्या है। एसिड आर दोस सब्सटेंस व्हिच जनरेट एच प्लस आयंस इन वाटर, है ना। जो वाटर में जाने के बाद एच प्लस प्रोड्यूस करे वो एसिड है। अच्छा अभी समझ लो कि मेरे पास दो एसिड है, एक एसिड ए और एक एसिड बी। मैंने जब एसिड ए को वाटर में ऐड किया है तो यहां पर इफ द अमाउंट ऑफ एच प्लस प्रोड्यूस इज लार्ज, बहुत लार्ज क्वांटिटी में एच प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, और मैंने एक दूसरा सब्सटेंस भी लिया है वो भी एसिडिक है, जब मैंने उसको वाटर में डिजोल्व किया है तो एच प्लस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो अमाउंट है वो है लो। हो सकता है कि कोई सब्सटेंस एच प्लस प्रोड्यूस तो करता है लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में जाने के बाद बहुत ज्यादा H+ प्रोड्यूस करेंगे, और कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो वाटर में जाने के बाद बहुत कम अमाउंट ऑफ H+ प्रोड्यूस करेंगे। तो बहुत ज्यादा जो H+ प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज, अब देखो स्ट्रेंथ। अच्छा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, सबसे पहले एसिड मतलब वो जो H+ प्रोड्यूस करे, तो जो जितना ज्यादा H+ प्रोड्यूस करे वाटर में जाने के बाद हम बोलेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छा एसिड है, और जो वाटर में जाने के बाद कम H+ प्रोड्यूस करे हम कहेंगे वो एसिड वीक एसिड है, मतलब वो उतना स्ट्रांग नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है, वो उतना ज्यादा H+ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, क्लियर। अभी ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ध्यान से समझ के लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। व्हाट आई एम सेइंग, एसिड आर दोस सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस H+ आयंस इन वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वो एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे जो वाटर में जाने के बाद ज्यादा H+ प्रोड्यूस करे, क्लियर। वीक एसिड कौन है, वो एसिड जो वाटर में जाने के बाद कम H+ प्रोड्यूस करे वो वीक एसिड है। अब आप सोचेंगे कि सर कोई कोई एंटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा इसका मतलब क्या, और कोई कम प्रोड्यूस करेगा इसका मतलब क्या। देखो देखो मैं आपको आपको ध्यान आपको बताता हूं, ध्यान से समझने का ट्राई करो, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। मान लिया मैंने एक एसिड लिया है, एसिड आई हैव टेकन इज HCl, क्या मैंने लिया HCl, वाटर में जाने के बाद इट प्रोड्यूसेस H plus plus Cl minus, और आपको मैंने कल बताया था कि H plus के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है।
तो एक मॉलिक्यूल HCl का एक H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, क्लियर है, समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, अगर मैंने इसके जगह H2SO4 लिया होता और इसे मैं वाटर में मिक्स करता तो ये प्रोड्यूस करता 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब ये वाटर में मिक्स होकर टू मॉलिक्यूल्स ये प्रोड्यूस करता 2 मोल्स ऑफ H3O प्लस। तो देखो ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, पूरा कंफ्यूजन आपका बाहर निकलेगा इससे। तो यहां एक दिख रहा है HCl इज एन एसिड जिसका एक मॉलिक्यूल एक H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है और H2SO4 एक ऐसा एंटिटी है जिसके एक मॉलिक्यूल दो H प्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सर इसका मतलब H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl है क्या? तो आपको दिखेगा भी H2SO4 HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, H2SO4 HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो मैं यह कहना चाहता हूं क्या कि जो ज्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, मैं यह कहना चाहता हूं क्या? और जो कम अमाउंट ऑफ H+ प्रोड्यूस करना चाहता करेगा वो उसको वीक एसिड कहेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं क्या? तो आप अगर ये बात सोच रहे हो तो ये गलत है और जनरली लोग ऐसा समझते हैं। अब ध्यान से समझो H3PO4 एक एसिड है जो वाटर में जाने के बाद 3H+ प्रोड्यूस करता है प्लस PO4 3- प्रोड्यूस करता है। अब ये वाटर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ मिलकर 3H3O+ प्रोड्यूस करेगा, है ना? तो अगर मैं ये लॉजिक से जाऊं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड कितने H प्लस प्रोड्यूस करेगा उसके बेसिस से एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक होगा, तो मैं यहां गलत कंक्लूजन में पहुंचूंगा, क्योंकि आउट ऑफ दीज थ्री द वीकेस्ट वन इज H3PO4। समझो इस बात को, ऐसा लगेगा अगर किसी का लॉजिक ये हो गया कि मॉलिक्यूल जितने H प्लस प्रोड्यूस करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग है, तो उस लॉजिक से H3PO4 को स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए, लेकिन यह वीकेस्ट एसिड है आउट ऑफ थ्री, ये वीक एसिड है। इनफैक्ट एक और बात बता देता हूं, ये जो है ना HI, आपने HCl देखा, HI आयोडिक एसिड, जब मैं इसको H2O के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये H+ प्लस I- प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ HI जस्ट प्रोड्यूसेस वन मोल ऑफ H+, जबकि H2SO4 प्रोड्यूसेस टू एटम्स ऑफ H+। तो ये देख के फिर से लग सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इससे, बट एक्चुअली HI इज स्ट्रॉन्गर देन H2SO4। कंफ्यूज हो गए, दिक्कत आ रही है, अब समझ में आ रहा है कि आपने शायद लॉजिकली पहले यही सोचा होगा कि वो एसिड जो ज्यादा H+ प्रोड्यूस करे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो कम अमाउंट ऑफ H+ प्रोड्यूस करे वो वीक एसिड है। उस लॉजिक से H3PO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूं ये वीक है, सबसे वीक ये है H3O4, ये चारों में से सबसे वीक ये है। लॉजिकली इसको सबसे ज्यादा होना चाहिए था, अगर लॉजिक ये है, इफ आई वॉन्ट टू से, अगर मैं ये कहने का ट्राई कर रहा हूं कि ज्यादा अमाउंट ऑफ H+ मींस एक मॉलिक्यूल कितने H+ प्रोड्यूस कर रहा है, बट मैंने ये कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड कि एक मॉलिक्यूल कितना H+ प्रोड्यूस कर रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। मैंने क्या कहा, ऑल दो सब्सटेंस विच जनरेट H+ आयंस आर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ H+ प्रोड्यूस करेगा, और स्लो नहीं, ये लो मैं लिखना चाह रहा था, लो क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग और ये हो जाएगा वीक। तो जो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ H+ प्रोड्यूस करे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो कम क्वांटिटी ऑफ H+ प्रोड्यूस करे वो वीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब ज्यादा और कम इज नॉट डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल यू हैव टेकन। H3PO4 प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ H+, जबकि H2SO4 प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 आयंस ऑफ H+, एंड HCl प्रोड्यूस 1 एंड HI प्रोड्यूस 1, बट आउट ऑफ 4 दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। देन कम्स दिस। तो सब उल्टा पुलटा हो गया है ना। तो इट डजेंट मींस व्हाट आई नेवर सेड, बट हम पढ़ते समय ये कंफ्यूजन होती है, मैं ऐसा लगता है कि ज्यादा क्वांटिटी ऑफ H+ प्रोड्यूस करना मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल से कितना H+ प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस से हम एसिड को स्ट्रॉन्ग या वीक बोलेंगे। चलो एक और बता देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, ये प्रोड्यूस करेगा H+ प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O-, तो वाटर के साथ मिलकर फिर से H3O+ बनाएगा। तो आप देखेंगे HI भी एक H+ का आयन प्रोड्यूस कर रहा है और एसिटिक एसिड भी एक H+ का आयन प्रोड्यूस कर रहा है, बट इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का अंतर है। ये बहुत वीक एसिड है जिसे हम इवन खाने के लिए यूज करते हैं। आप HCl को खा सकते हो क्या? आयोडिक एसिड को खा सकते हो? H2SO4 को हम खा सकते हैं? अगर हमारे शरीर में HI अगर हमारे बॉडी में लगे तो पूरा बॉडी जल जाएगा। H2SO4 वी कैन नॉट ईट, बट एसिडिक एसिड वी कैन ईट, HI हम लोग नहीं खा सकते। तो इसका मतलब ये क्यों? क्योंकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम है ना, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम है। बेसिकली विनेगर में मिलता है एसिटिक एसिड, तो ये खाने में यूज होता है। तो दो
दोनों के दोनों एक मॉलिक्यूल ऑफ एच प्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट दोनों की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा फर्क है। तो आप बोलेंगे सर अब कैसे पता करें, दोनों तो एक ही आयन एच प्लस के प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर ये कैसे जान पाएंगे कि कौन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और कम कौन कम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, मैं डिटेल में बताता हूं, फिर से एक बार बात करते हैं। हम एसिड्स उसे कहते हैं जो वाटर में जाने के बाद एच प्लस प्रोड्यूस करें, स्ट्रॉन्ग एसिड उन्हें कहते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एच प्लस प्रोड्यूस करे। अब ज्यादा क्वांटिटी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है आई डोंट नो, अब मैंने उसमें ज्यादा क्यों प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, इस पर कुछ कमेंट नहीं किया, केवल ये बोला जो एसिड ज्यादा एच प्लस वाटर में जाने के बाद प्रोड्यूस करे वो स्ट्रॉन्ग है और जो कम प्रोड्यूस करे वो वीक है। क्लियर। अब ये स्टेटमेंट बुक में लिखा होता है जिससे हमारा कंफ्यूजन कुछ इस तरह से आता है कि ज्यादा का मतलब ये हम समझ के लेते हैं कि HCl एक कर रहा है, H2SO4 दो कर रहा है, H3PO4 तीन कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर ये बट ये पूरा लॉजिक गलत है। आई एम नॉट सेइंग ज्यादा मींस कि एक मॉलिक्यूल कितना H+ प्रोड्यूस कर रहा है। अब बात समझो अब डिटेल में अब इसके अंदर जाते हैं कि ज्यादा मींस व्हाट। देखिए ध्यान से समझो, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने HI लिया है। अब HI के मान लो मैंने 1000 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। अब मैंने जब HI का 1000 मॉलिक्यूल्स लिया है और वाटर में ऐड किया है तो इसने H+ प्लस I- प्रोड्यूस किया है और H+ जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल बी विजिबल इन द फॉर्म ऑफ H3O+ हाइड्रोनियम आयन, है ना। अब मैंने HI लिया है, अब उसी तरह मैंने एसिटिक एसिड भी लिया है, एसिटिक एसिड लिया CH3 C डबल बॉन्ड हुआ और इसके भी 1000 मॉलिक्यूल्स लिए। अब लॉजिकली ये भी H3O+ प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OO- है, तो केमिकल रिएक्शन से तो हमें ऐसा लग रहा है कि HI जब टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल इसका एक H+ प्रोड्यूस करेगा और एसिटिक एसिड जब टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H3O प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों के अमाउंट ऑफ H3O+ ऐसे लग रहे हैं सेम होगा। बट ध्यान से समझो, जब आप HI को वाटर में डालेंगे तो 1000 का 1000 विल ब्रेक, 1000 का 1000 विल ब्रेक। आपने 1000 लिया था और इनिशियली ये कुछ भी नहीं था, बाद में ये कुछ भी नहीं बचेगा और ये 1000 पूरे के पूरे ब्रेक हो गए। लेकिन एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड भी एक H+ प्रोड्यूस कर सकता है और HI भी एक H+ प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन डिफरेंस यह है कि आप HI को जैसे ही पानी में डालेंगे जितने भी HI होंगे सब के सब टूट जाएंगे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ H+ प्रोड्यूस होगा। लेकिन एसिटिक एसिड के केस में अगर आपने 1000 डाला है तो डाला तो आपने दोनों का सेम क्वांटिटी है, बट इस जगह पे केवल 5 या 6 मॉलिक्यूल टूटेगा और 995 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के ही फॉर्म में रहेंगे, है ना। अब एक सवाल आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों कि 1000 में से केवल 5 ही मॉलिक्यूल टूटेंगे और बाकी नहीं टूटेंगे, ऐसा क्या हो रहा है कि केवल 5 मॉलिक्यूल ही टूट रहे हैं और बाकी नहीं टूट पा रहे, जबकि HI के केस में 1000 के 1000 टूट पा रहे। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड किस पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा एक और टर्म यहां बता देता हूं, जितने एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड जितना H+ प्रोड्यूस करता है हम उस टर्म को बोलते हैं बेसिसिटी। व्हाट बेसिसिटी, what is basicity? Basicity is number of H+ ions produced by one molecule of an acid. What I'm saying, very important point. देखो यहां से अब एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। Basicity means what? Number of H+ ions produced by one molecule of an acid. तो अगर इस लॉजिक से जाए तो basicity, यहां मैं एसिड लिख देता हूं और यहां बेसिसिटी लिख देता हूं, तो बेसिसिटी ऑफ HCl इज 1, बेसिसिटी ऑफ HI इज 1, बेसिसिटी ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH इज 1, H2SO4 इज 2, H3PO4 इज 3। तो मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूं कि बेसिसिटी ना स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को डिसाइड नहीं करता है। क्या कह रहा हूं, बेसिसिटी डजंट डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, रादर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डिसाइडेड बाय द एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू गेट डिसोसिएटेड। What I'm saying, the strength of acid is not decided by the basicity of the acid, rather the strength of the acid is decided by the dissociation ability of an acid. जैसे कि दोनों की इस जगह पे दोनों की basicity 1 है, लेकिन इसका dissociation ability 100% है, जबकि इसका dissociation ability शायद 0.5% है। तो 1000 में से केवल 5 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। अब ये क्यों टूट रहे हैं, ये आगे का डिटेल कांसेप्ट है, आगे 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 के कांसेप्ट है कि केवल 5 मॉलिक्यूल टूटेंगे, सारे मॉलिक्यूल नहीं टूट पा रहे, तो कुछ तो कारण है जो सारे एसिड के मॉलिक्यूल को टूटने नहीं दे रहा है और वो उन्हें वीक एसिड बनाएगा। और जिस केस में एसिड का डिसोसिएशन बहुत हाई होगा वो एसिड क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड्स
which have higher value of dissociation constant, which dissociate easily are called as strong acid, whereas weak acid are those acid which have very low dissociation power, which dissociate very to a very small extent. They are called as weak acid. Clear? Pause the video and take this down. पहले ये पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है, आपको जनरली ये टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेंगे, ध्यान से लिख लीजिए इस बात को. डन स्टूडेंट, लिख लिया. देखो अब ये जो सारा बात बताया ना, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है, बट कंसेप्चुअली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेंथ का बोर्ड पास करना आपका केवल पर्पस तो नहीं है. अब ये आपको तो जाके एसिड स्ट्रॉन्ग अपने हमारे डे टू डे लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड है जो ज्यादा से ज्यादा पानी में जाके डिसोसिएट कर जाए, भले उसकी बेसिसिटी कम हो. जैसे HCl is a strong acid and H3PO4 is a weak acid. दो इसका बेसिसिटी 1 है, इसका बेसिसिटी 3 है, बट इसके बहुत सारे, अगर 1000 मॉलिक्यूल लिया तो 995 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि इसका 1000 लिया तो शायद 2 5 10 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होंगे. तो अगर 5 मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट हुए आउट ऑफ 1000 तो 15 H+ आयंस होंगे, लेकिन इसके अगर आपने 1000 लिए और 1000 में 995 हो गया तो ये 995 H+ प्रोड्यूस करेगा, जबकि ये 5 प्रोड्यूस करेगा, तो ये कितने टाइम्स हो गया, कितना टाइम्स ज्यादा एसिडिक हो गया. क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आया क्या? तो हमारे पास दो तरह के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड्स व्हिच हैव लार्ज वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन. वीक एसिड व्हिच डिसोसिएट लो एक्सटेंट. जो कम डिसोसिएट करता है वो वीक एसिड है, और जो ज्यादा डिसोसिएट करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. HI ज्यादा डिसोसिएट करता है, ये H2SO4 H3PO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. क्लियर है, ये समझ में आ गया व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट इज वीक. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक नया टर्म भी बता दिया, बेसिसिटी. बेसिसिटी मींस व्हाट? एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कितने H+ प्रोड्यूस करेगा. तो जरूरी नहीं है कि जितने हाइड्रोजन है सबके सब प्रोड्यूस हो. जैसे एसिटिक एसिड में 4 हाइड्रोजन है, लेकिन जब कभी मॉलिक्यूल टूटेगा 4 में से केवल एक हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है, तो इसकी बेसिसिटी जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, है ना. अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का जो मेजरमेंट है स्टूडेंट्स, ये जो मेजरमेंट ऑफ एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ है, ये मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो इसके लिए एक स्केल है विच इज कॉल्ड एज पीएच स्केल. अभी ये पीएच स्केल is given in your NCERT book. Very important concept. pH scale. pH generally, pH is the scale which is used to measure the strength of an acid. So, strength of acid or base is measured in pH scale. अब ये क्या pH scale है? ये भी समझाता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए. They are measured in pH scale. pH ऐसे लिखते हैं, P छोटा H बड़ा, pH scale में measure होता है. अब basically pH क्या होता है, ध्यान से समझ लो. pH is माइनस log of H+ concentration, है ना. ये H इंडिकेट करता है H+ को, और pH is माइनस log of. अब माइनस log of, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ने log पढ़ा है तो उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप ये मान लो ये तो कुछ तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना. माइनस log of H+. अभी देखो एक माइनस log of pH. अब देखो ध्यान से समझो, log of something, log of any value, एक बेसिक आइडिया दे देता हूं ताकि चीजें लोगों को समझ में आए. तो बेसिकली पीएच इज कॉल्ड एज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन पोटेंस का मतलब होता है पावर. पोटेंस का मतलब होता है पावर. कितना ज्यादा H+ आयंस है पीएच वो इंडिकेट करता है. लॉग ऑफ, अब मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से समझ लो जिसके नहीं पता है, ये लॉग क्या होता है? लॉग 10. अभी 10 raise to the power अगर 1 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1. कितना जाएगा? 1. 10 log of 10 raise to the power 10 raise to the power 2. ये जो इसको बेस बोलते हैं ना, यहां अगर 10 है और यहां 10 है तो जो पावर होगा 10 का जो पावर होगा that will be its answer.
log of 10 raised to the power 1, 1 can be written as 10 raised to the power 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, क्लियर है? Log of 10.1 can be written as log of 10 raised to the power minus 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा minus 1. अभी ये जिनको log नहीं पता है, वो टेंशन मत लीजिए, आप आगे पढ़ेंगे, but pH is what? Minus log of H plus concentration. अब ध्यान से समझो, अभी H का वैल्यू जितना बड़ा होगा, H का वैल्यू, H का concentration, अगर ये 10 है, इसका वैल्यू मान लिया 10 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? pH का आंसर वैल्यू आएगा, pH is equal to minus 1, क्लियर है? अगर ये 100 है, तो pH का वैल्यू कितना आएगा? minus 2. अगर ये 1000 है, 10 raised to the power 3, तो pH का वैल्यू कितना आएगा? minus 3. अब एक बात ध्यान से समझो, जैसे जैसे H का concentration बढ़ रहा है, pH का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ध्यान से समझने का ट्राई करो, क्या मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं. pH स्केल क्या बताता है? pH स्केल बताता है कितना H+ कंसंट्रेशन है. तो pH स्केल में जैसे-जैसे हमें यह बताने का ट्राई कर रहा हूं, जैसे-जैसे H का अमाउंट हम बढ़ाते जा रहे हैं, H का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, pH की वैल्यू कम होती जा रही है. इसका मतलब मैं यह क्या कहने का ट्राई कर रहा हूं कि हमारे पास एक होता है pH स्केल जो रेंज करता है 0 टू 14 के बीच में, है ना. 7 जो होता है वो जनरली न्यूट्रल होता है. क्या होता है? न्यूट्रल होता है. 7 के ऊपर हम बोलते हैं चीजें बेसिक होती जा रही है, और 7 के नीचे हम कहते हैं चीजें एसिडिक होती जा रही है. अब एसिड का मतलब क्या? जितना ज्यादा H+ उतना ज्यादा एसिडिक. अब जितना ज्यादा चीजें एसिडिक होंगी, pH का वैल्यू उतना लो होगा. H+ का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, pH का वैल्यू उतना नीचे जाएगा. क्लियर है? समझ रहा है? ये बात समझा? सो व्हाट इज pH स्केल? pH स्केल क्या बताता है आपको? pH स्केल बताता है कि एसिड या बेस का स्ट्रेंथ कैसा है. pH स्केल क्या बताता है? pH scale is the scale to measure acidic or basic strength. अभी इससे पहले स्टूडेंट हमने ये जान लिया कि कोई एसिड है या बेस है, ये कैसे बता सकते. अब ये अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन दिया गया है, तो वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, ये पता करने के लिए क्या स्केल हम लोग यूज कर रहे हैं? pH scale यूज कर रहे हैं. क्लियर है? समझा? तो what is pH scale? pH का मतलब क्या होता है? pH का मतलब होता है P stand for potency. Potency means power. Power of hydrogen will give you pH scale. Higher the value of H, lower will the value of pH. जितना ज्यादा acidic होगा, pH का value उतना कम होगा. जितना ज्यादा basic होगा, pH का value उतना ज्यादा होगा. Generally ये negative में भी जाता है, but general अब 0 to 14 के बीच में देखेंगे. 0 means highly acidic, 14 means highly basic, 7 means neutral. Clear है? So what I want कि आप इसको pause करके पहले लिख लो कि pH का मतलब क्या होता है. Please take it down. Okay student, तो हमने क्या बात किया कि basically 7 is neutral, pH scale 0 to 14 तक वेरी करता है, 7 is neutral, 7 के ऊपर basic, 7 के नीचे acidic, 10th तक आपको यही रखना है. आगे चल के आप ये भी देखेंगे कि 7 हमेशा neutral नहीं होता है, ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, but अभी के टाइम पे I am not going to confuse. Remember, 7 is neutral, 7 के नीचे acidic, जितना pH scale कम होता जाएगा, acidic strength उतनी बढ़ती जाएगी, 7 के ऊपर जितने जाते जाएंगे, उसकी basic strength बढ़ती जाएगी. अब students, हमने ये तो देखा कि कौन acid है, कौन base है, ये जानना सीखा. But pH कैसे समझा जाए, किसी भी substance का pH कैसे जाना जाए, उसके लिए हमारे पास होता है universal indicator. Universal indicator is actually mixture of different substance, and universal indicator have different color for different pH value. Remember it. Universal indicator एक ऐसा indicator है जो कि किसी substance के pH के बारे बताता है. Clear है? What is universal indicator? Universal indicator is what? Universal indicator is combination of different substance. और आप जनरली यूनिवर्सल इंडिकेटर जो डिफरेंट सब्सटेंस है उसको क्या हम करते हैं, उसको पेपर पे इट गेट इंप्रेग्नेंटेड, मींस पेपर में उसको डाल देते हैं ना, पेपर को डिप करके उसमें डालते हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आ जाता है. अब जब डिफरेंट पीएच डालेंगे तो वो डिफरेंट कलर देगा आपको. यूनिवर्सल इंडिकेटर विल गिव डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यू. तो पीएच वैल्यू जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये बात क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर? तो यहां दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो स्टूडेंट यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट और मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स. तो बेसिकली इट इंडिकेट पीएच ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, है ना. अब ये ना एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में आपको ये मिल जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का आपको कलर्स दिखेंगे. चलो एनीवे मैं क्या करता हूं, यहां आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर दिखा देता हूं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको कैसा दिखता है और वो क्या क्या कलर्स दिखाते हैं, डिफरेंट पीएच में क्या क्या कलर दिखाते हैं. क्लियर है? तो लेट्स गो एंड सी दिस इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा होता है ये देखते हैं. तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, देखो यहां पर ये जो दिया हुआ है, पीएच ऑफ सम ऑफ द कॉमन सब्सटेंस शोन ऑन पीएच पेपर. तो आप देखो बेसिकली ये रेड कलर से धीरे 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 रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से पिंक,
पिंक से येलो, येलो से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू एंड डार्क ब्लू होता जा रहा है ना। तो बेसिकली जीरो पे इट इज रेड, वन पे इट इज लाइक ऑरेंज रेड, टू पे ऑरेंज, थ्री पे लाइट ऑरेंज, फिर येलोइश कलर हो रहा है, फिर ग्रीनिश हो रहा है, फिर डार्क ग्रीन हो रहा है, फिर ब्लूइश हो रहा है एंड डार्क ब्लू हो रहा है। क्लियर है? जैसे आप यहां देख सकते हैं गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है, व्हाट इज द गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक जूस का पीएच इज व्हाट अबाउट 1.2, पीएच इज 1.2। तो इसका कलर कैसा रहेगा? इसका कलर आपको जनरली कैसा मिलेगा? इट विल बी ऑरेंज टू रेड, है ना। लेमन जूस इज ऑरेंज, प्योर वाटर और ब्लड, ब्लड हमारा 7.4 होता है पीएच, इट विल ग्रीन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया थोड़ा ब्लूइश कलर आएगा या लाइट ग्रीन से ब्लू की तरफ जा रहा है वो। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच अराउंड 14 होता है, इट विल बी डार्क ब्लू, है ना। अब हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है ना, हम इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, तो थोड़ा आपको इंडिकेटर्स के बारे में आइडिया मिल जाएगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच को किस तरह से दिखाता है। अब ये जो एक्सरसाइज है ना स्टूडेंट, आज तक इससे ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है एनसीईआरटी में, बट आगे चल के आपको पता है कि पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है, तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले है कुछ चीजें दी गई है, मैं इसको बोर्ड पे भी लिखूंगा, आप डायरेक्टली स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास है स्लाइवा बिफोर मील एंड आफ्टर मील, बिफोर मील एंड आफ्टर मील। स्लाइवा मतलब पता है ना, स्लाइवा मुंह में हमारे जो स्लाइवा आते हैं, है ना, थूक जिसे बोलते हैं, सो दैट इज स्लाइवा आफ्टर मील। देन वी हैव लेमन जूस, लेमन जूस। फोर्थ वन इज कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स बोल सकते हो आप, सॉफ्ट ड्रिंक्स। देन कैरेट जूस, कैरेट जूस। सिक्स वन इज कॉफी, सेवेंथ वन इज टोमेटो, एट्थ वन इज टैप वाटर, नाइन्थ वन इज वन मोलार NaOH। अब ये वन मोलार नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, वन मोलार वन नॉर्मल क्या होता है, मोलारिटी क्या होती है एंड वन मोल HCl, है ना। अब आपको क्या है, कलर आपको पता करना है, कलर एंड अप्रोक्सीमेटली पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू अप्रोक्स, और आपको नेचर कि ये एसिडिक है या बेसिक है ये भी आपको बताना है ना। तो चलो अभी बोर्ड पे देखते हैं, ये स्क्रीन में हटाता हूं और मैं आपको बोर्ड पे लेके जाता हूं। सो दिस इज द थिंग, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है वही सारी लिस्ट जो आपको एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, और इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सबसे पहला स्लाइवा, आपको पता है हमारा बॉडी जो है, हमारा ब्लड जो है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, हमारा बॉडी किस रेंज में काम करता है, डू यू नो, बॉडी हमारा किस रेंज में काम करता है। बेसिकली बॉडी, आर बॉडी इज बेसिक इन नेचर, जिनका जिसका पीएच वैल्यू 7.2 से लेकर 7.4 तक होता है। तो हमारा स्लाइवा भी जनरली जब आपने मील नहीं लिया है, कुछ खाया नहीं है, तो उस टाइम पे आपका जो पीएच होता है, स्लाइवा का जो पीएच होता है ये अराउंड 7.4 होता है, जो कि ब्लड का पीएच होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था ब्लड का पीएच इज 7.4 के आसपास होता है, क्लियर है, ठीक है, ब्लड इज 7.4। अभी जो कलर है ना, मैं लास्ट में एक बार फिर से आपको इंडिकेटर दिखाऊंगा और उसके बेसिस पे, यूनिवर्सल इंडिकेटर दिखा के उसके बेसिस पे हम कलर फिल करने का ट्राई करेंगे। तो मैं आपको पीएच बता दूं, अभी स्लाइवा आफ्टर मील, जनरली आफ्टर मील ये कैसे चेंज होगा, इट विल डिपेंड कि आपने क्या खाया है। जनरली जो हम लोग फूड लेते हैं दे आर लिटिल एसिडिक इन नेचर, है ना, जैसे आपने ऑरेंज जूस, मान लिया आपने ऑरेंज जूस पिया है तो आपका बॉडी थोड़ा एसिडिक हो जाएगा, है ना। तो अगर हमने कड़वा चीज खाया है, बेसिक लाइक करेला खाया है, तो इट इज बिटर, तो बिटर का मतलब बेसिक, तो हमारा स्लाइवा भी जो है वो थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा। तो स्लाइवा का जो पीएच होता है इट डिपेंड्स, तो ये पीएच जो होता है वो बेसिकली बेसिकली इट चेंजेस, है ना, इट डिपेंड्स, ये आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ये आप किस तरह का मील ले रहे हैं उसके बेसिस पे इसका पीएच डिसाइड होता है, है ना। अब लेमन जूस इज बेसिकली इट इज 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है, 2.2 एंड 2.4। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक स्टूडेंट्स, कोल्ड ड्रिंक, है ना, एरेटेड वाटर जिसे हम लोग बोलते हैं, सो दिस इज बेसिकली 6। कैरेट जूस इज व्हाट, कैरेट जूस इज 5 to 6, ये भी कैरेट जूस भी 5 to 6 के बीच में पीएच होता है। कॉफी इज, कॉफी का जो होता है पीएच दैट इज 4.5 to 5.5, है ना। टोमेटो, टोमेटो खट्टा होता है क्या, यस, तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, एसिडिक होगा, है ना, एसिडिक होगा, इसका रेंज जो होता है वो 4.1 के आसपास होता है। टैप वाटर इज 7, NaOH इज 14 एंड HCl इज 1 मोलर, HCl इज 1, पीएच इज 1। तो नेचर तो आप बता सकते हो, स्लाइवा इज व्हाट, इट इज बेसिक,
अब इसका नेचर विल डिपेंड्स, है ना, इट डिपेंड्स, दिस इज एसिडिक, सॉफ्ट ड्रिंक इज एसिडिक, तो जो कोल्ड ड्रिंक है वो ज्यादा क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी होता है बेसिक, और आप ज्यादा एसिड बॉडी के अंदर डालोगे तो दैट विल नॉट बी गुड, है ना। इवन कैरेट जूस इज एसिडिक, कॉफी भी होगा एसिडिक होगा, टोमेटो एसिडिक, वाटर न्यूट्रल, NaOH बेसिक, और ये जो होगा HCl विल बी एसिडिक। अब इसके कलर की बात करते हैं, अब जब आप इसके कलर की बात करेंगे स्टूडेंट, है ना, तो बेसिकली अगर आप कलर की बात करोगे तो चलो हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या कलर दिखाएगा फॉर डिफरेंट कंपाउंड, है ना, करें तो ये पहले लिख लो फिर कलर हम लोग एक एक करके कलर देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड टेक दिस डाउन। ओके सो डन स्टूडेंट्स, चलो अभी ना कलर लिखने का ट्राई करो। तो चलो मैं आपको क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपको फिर से इंडिकेटर दिखा देता हूं, यूनिवर्सल इंडिकेटर दिखा देता हूं, ये रहा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर देखने के बाद आप मुझे ये बताओ, चलो यहां से आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर और इसके ऊपर रहा दिस इज द टेबल। अब कलर आप बताते जाओ कलर क्या होगा, तो स्लाइवा का बिफोर मील व्हाट शुड बी द कलर, पीएच इज व्हाट, इसका पीएच कितना लिखा है आपने 7.4, तो 7.4 इज व्हाट, कौन सा कलर दे रहा है, इट इज ग्रीन, है ना, कलर ऑफ स्लाइवा विल बी ग्रीन। एंड स्लाइवा आफ्टर मील और बिफोर मील विल बी ऑल्सो, इट विल बी लिटिल ग्रीनिश, है ना, ग्रीन, लाइट ग्रीन होगा, थोड़ा चेंज होगा बट अराउंड ग्रीन के ही शेड में रहेगा। लेमन जूस का क्या है स्टूडेंट, लेमन जूस इज 2.4, तो 2.2 लेमन जूस 2.2 से 2.4 कौन सा कलर दिख रहा है आपको बताओ, यहां पर देखो इस केस में 2.2 से 2.4 कौन सा कलर आपको दिख रहा है, क्या कहोगे आप इसको, तो बेसिकली ऑरेंज और येलो का मिक्सचर है ना, ग्रीन से येलो और ऑरेंज की तरफ जा रहा है ना, क्लियर है, तो येलो और ऑरेंज के बीच में ही लेमन जूस आपको मिलेगा, क्लियर है। तो यहां आप देख सकते हैं कि इट विल बी लाइक येलो से ऑरेंज की तरफ, तो मैं इसे पिंक, अराउंड पिंक की, थोड़ा पिंक कलर रहेगा, है ना, ठीक है, पिंक कलर रहेगा थोड़ा। ओके एरेटेड वाटर 6 मतलब क्या, इट विल बी लाइट ग्रीन, है ना, 6 विल बी लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन। आप आपका टेबल भी कंप्लीट कर लो, तो सबसे पहले मैंने बताया स्लाइवा बिफोर मील इट विल बी ग्रीन, स्लाइवा आफ्टर मील थोड़ा एसिडिक अगर हो गया, आपने एसिड लिया तो येलोइश हो जाएगा, लेमन जूस विल बी पिंक और ऑरेंज वैसा कुछ दिखेगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो लाइट ग्रीन दिखेंगे, कैरेट जूस विल बी येलो से ग्रीन के बीच में वेरी करेगा, येलो और ग्रीन के बीच में वेरी करेगा, कॉफी भी आपका येलो और ग्रीन के बीच में वेरी करेगा, है ना, येलो इज ग्रीनिश रहेगा, टोमेटो इज टोमेटो विल बी ऑरेंज, टोमेटो क्या रहेगा, ऑरेंज कलर रहेगा क्योंकि इट इज 4.1 के आसपास आ रहा है, एंड टैप वाटर इज अगेन ग्रीन, है ना, NaOH कैसा रहेगा स्टूडेंट, पर्पल कलर, ब्लू से पर्पल की तरफ जा रहा है, एंड HCl कैसा रहेगा, रेड, क्लियर है। तो ये टेबल आप कंप्लीट हो गया, देखो ये टेबल कंप्लीट आप कर सकते हो, मैंने यहां ये कलर कंप्लीट कर दिया है, सो यू कैन टेक इट डाउन, यू कैन टेक इट डाउन। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है विच विल टेल यू एक्चुअली कलर, कलर के थ्रू इट विल टेल यू कि पीएच किस रेंज पे है, एक्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताएगा पीएच का बट रेंज बता सकता है, एक्जैक्ट वैल्यू जानने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो दिस इज द टेबल विच यू मस्ट नो, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहां बंद करेंगे, अभी कल के क्लास में विल सी कि व्हाट इज द इफेक्ट और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर लाइफ, हमारा बॉडी का पीएच क्या होता है, हमारे टू थ्री के कब होता है, एसिड रेन कब होता है, सॉइल कौन सा, किस किस प्लांट के ग्रोथ के लिए जिसका पीएच किस रेंज पे होना चाहिए, ये सारा डिस्कशन हम कल के क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहां बंद करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आज का क्लास यहां बंद।